आवाज नहीं आई, एनर्जी नहीं आई, स्नैक्स नहीं खाए थे क्या? वेरी गुड मॉर्निंग, एक्साइटेड, टायर्ड, टायर्ड। अकाउंट कहाँ पे आएगा हमारा? देख के मत बताओ, देख कर तो कोई बता देगा। समझो चीजों को, देखने के लिए नहीं, सीखने के लिए आयो, सीख के जाओ। स्टॉक मार्केट में सेबी होता है, सिमिलर फॉरेक्स में हमारा IMF होता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो पूरे चेक करता है कि कौन सी करेंसीज कितनी मूव हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। वो पूरी गाइडलाइन रखता है, अपनी पूरी निगरानी रखता है कि कोई भी करेंसी पेयर इससे ज्यादा एक पर्टिकुलर टाइम पे चेंज नहीं हो सकता है। रीजन बीइंग, अगर होगा तो उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे कितना फर्क पड़ेगा। कमर्शियल ओनली कमर्शियल्स रन्स द मार्केट, दे आर द ओनली प्लेयर्स इन द मार्केट जो मार्केट को रन करते हैं। इसके अलावा कोई जो भी है वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ट्रेडिंग करता है, दैट्स ऑल। चाहे सेंट्रल बैंक हो, हम ट्रेडर्स हो, कोई भी हो, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कमर्शियल। 99 पे आ जाएंगे, 1% लॉस होगा, 99 पे हम आ जाएंगे, राइट? चलो, अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो हम आ गए 103 पे, और अगर हमारा लॉस होता है तो हम आ गए 99 पे। दुबई ने, जो सबके ड्रीम कंट्री है, जितना भी ऑयल का उनका पैसा आया, क्या था उस पे? कुछ था पहले, ऑयल से पैसा कमाया, इंफ्रा में डेवलप करा। उन्हें पता है ऑयल जिंदगी भर नहीं रहेगा, एक टाइम पे आकर सब चीज की लिमिटेशन होती है, कभी तो खत्म होगा ना वो। जब ऑयल खत्म होगा तो क्या करेंगे वो? उन्होंने ऑयल खत्म होने से पहले जो पैसा आया इंफ्रा में लगाया, टूरिस्ट में डेवलपमेंट करा। दुबई में आज 70% 80% लोग बाहर के हैं, अरब के नहीं है। उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट करा। दिस इज द रीजन कि दुबई आज यहाँ पे, अगर वेनेजुएला भी करता तो वेनेजुएला भी होता, बट उसने सही से कंट्रोल नहीं करा। एंड ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? लीडर की, जो उस कंट्री में लीडर है उस टाइम पे, नॉट जस्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज द वन जो एग्जीक्यूट करते, जो रोल प्ले करती है। पीछे तो पूरा उनका बाकी सब चीज की अलग होती है ना, लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे उस कंट्रीज को आगे चला रहे हैं। इथेरियम, गोल्ड, डॉलर, इथेरियम, बिटकॉइन, गोल्ड, डॉलर। ट्रेडिंग का नाम सुना है? अगर आपको पता होता गोल्ड 2000 से 2300 पे जाएगा तो आप क्या उसे छोटे मोटे प्रॉफिट पे बुक करते? आपको टेक्निक फंडामेंटली पता है कि USD हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, फंडामेंटली हमारा डॉलर अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो गोल्ड हमारा नीचे जाएगा, और अगर आपसे सेल की ट्रेड टेक्निकली बेस पे, आपके फंडामेंटल टेक्निकल दोनों अलाइन हो गए। मॉनेटरी पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी जो फेड या फिर कोई भी कंट्री लाती है, दैट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी, नॉट जस्ट फॉर इन्फ्लेशन, फॉर रनिंग देयर कंट्री स्मूथली ऑन अ स्मूथ ट्रैक, ऑन अ ग्रोइंग ट्रैक। आइदर इट्स इन्फ्लेशन, इट्स इंटरेस्ट रेट, इट्स GDP और एनीथिंग, फंडामेंटल्स प्लेज मेजर वाइटल रोल। डे ट्रेडिंग में नहीं है, ओवरऑल ट्रेंड में। डे ट्रेडिंग में फंडामेंटल्स का कुछ नहीं होता, क्योंकि बैंक्स, हेज फंड्स, कमर्शियल्स डेली बेसिस का नहीं देखते, वो क्वार्टरली, ईयरली, एनुअली का देखते हैं। कमर्शियल्स होल्ड देयर पोजीशंस फॉर ईयर्स, फॉर डेकेड्स, नॉट फॉर ईयर्स, फॉर डेकेड्स। फंडामेंटल्स प्लेज मेजर वाइटल रोल। डे ट्रेडिंग में नहीं है, ओवरऑल ट्रेंड में। डे ट्रेडिंग में फंडामेंटल्स का कुछ नहीं होता, क्योंकि बैंक्स, हेज फंड्स, कमर्शियल्स डेली बेसिस का नहीं देखते हैं, वो क्वार्टरली, ईयरली, एनुअली का देखते हैं। कमर्शियल्स होल्ड देयर पोजीशंस फॉर ईयर्स, फॉर डेकेड्स, नॉट फॉर ईयर्स, फॉर डेकेड्स। लेवल अप, ट्रेडिंग इज ट्रेडिंग गेम। लेवल अप, ट्रेडिंग गेम। हिप हिप।